हरे कृष्णा बच्चों, तो अभी हम लोग इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन सीखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन सीखते टाइम हम लोग सबसे पहले एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो सबसे बेसिक रहता है। फिर उसके बाद उससे अगली वीडियोस में हम जाएंगे ट्रायंगल के ऊपर, फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे, वो एक रोड लेंगे हम लोग, सिंपल सा, ठीक है। एक ये यूनिफॉर्म रोड है, और इस यूनिफॉर्म रोड का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जैसे कि मान लो कि मैंने दो एक्सिस लेता हूँ। मैं सबसे पहले एक एक्सिस ली मैंने, ये तो इस एक्सिस को मैंने नाम दे दिया I1, इस रोड के अबाउट, और एक दूसरी एक्सिस भी ले ली मैंने I2। तो अगर मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, I1 के अबाउट ये इसके सेंटर से पास होने लग रही है, और एक ये यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। तो इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो पक्का देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो यहाँ से एक्स की दूरी पर मैं गया, और यहाँ से एक्स की दूरी पर जाके मैंने एक डी एक्स लेंथ का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लिया, इसका मास कितना बन जाएगा डीएम, और ये डीएम मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, डीएम ऐसे कैलकुलेट करूंगा, देखो अगर मेरे पास एल लेंथ की रोड थी तो उसका मास था एम। यूनिफॉर्म रोड है तो कोई दिक्कत है नहीं, मास पर लेंथ सेम रहेगा हर जगह पे। तो एक लेंथ की रोड होती तो मास कितना होता उसका, m/l। तो डी एक्स लेंथ की रोड रहेगी तो उसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/l × dx। तो ये हो गया डीएम, जो छोटा मास आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे m/l × dx। अभी जैसे मेरे पास छोटा मास आ गया, तो अभी मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखना सिखाया था आपको, कि किसी भी छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं उसका मास इंटू उसके एक्सिस से उसके दूरी का स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसका मास लिखा, तो ये मेरे पास आया m/l × dx × x², ठीक है। अभी मैं इसको साफ सुथरी से फॉर्मेट में लिख देता हूँ, m/l × x² dx, ऐसे लिख सकते। अभी मुझे पता है कि भाई देखो, अगर सर ये रोड है अपने पास, तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो ये तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अभी, लेकिन मुझे तो पूरी रोड का कैलकुलेट करना है। पूरी रोड का कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो देख लेते हैं। चलो अभी हम लोग कि इसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है। देखो भी सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने अपने बहुत सारे मैकेनिक्स की जितनी भी वीडियो आपको अभी तक बना के दी हैं, उन समय मैंने आपको एक बेसिक बात समझाई है, कि देखो इंटीग्रेशन का मतलब, जो इंटीग्रेशन की हम लिमिट लेते हैं ना, वो लिमिट इस हिसाब से ली जाती है कि अपना पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए। मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग लोवेस्ट लिमिट डालो और अपर लिमिट डालो, उन दोनों के बीच में पूरा ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। जैसे अभी ये रोड है अपने पास, ठीक है। तो इस रोड में हमें क्या समझ में आ रही है, इस रोड में हमें समझ में आ रहा है कि सर ये टोटल एल लेंथ की रोड थी, तो ये l/2 लेंथ है इस तरफ, और ये भी l/2 लेंथ है इस तरफ। तो मैं क्या कहूंगा कि देखो x इज इक्वल टू 0 यहां पे रहेगा सेंटर पे, क्यों, क्योंकि मैं सेंटर से लेने लगा हूं। तो x इज इक्वल टू 0 अगर सेंटर पे है, तो आप देखोगे कि इस एंड पे, एंड ए पे अगर मुझे पहुंचना है, तो एंड ए पे पहुंचने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे लिए, -l/2, करेक्ट। -l/2 लिखूंगा तभी तो मैं यहां पहुंचूंगा, क्योंकि यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, और इस एंड तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, +l/2। तो बेसिकली जो मुझे लिमिट्स अभी मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन की, वो कहां से कहां तक आएंगी, -l/2 से +l/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आई तो इसको दोबारा से सुनिए जो मैंने बोला। और जब आप इस इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, x² dx का इंटीग्रेशन, ये x³/3 बन जाता है, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा m² / 12, ठीक है। तो ये तो हो गया I1। अभी अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, ठीक है। अभी बच्चों अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी से भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज ना करके मैं बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ वापस से।
जैसे अगर मान लो कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अभी इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैंने रोड को ड्रॉ किया, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने क्या कहा, जिस जगह से चाहिए वहाँ से एक्स की दूरी पे एक एलिमेंट लिया, ठीक है। एलिमेंट की लेंथ कितनी बनी भाई अपने पास, डी एक्स। डी एक्स लेंथ बनी, वापिस से हमने इसका क्या कैलकुलेट किया, डी एम। डी एम की वैल्यू कितनी आई अपने पास, एम बाय एल इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अभी वापिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। उसको और सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये कितना बनेगा, एम बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी मुझे क्या करना है, इसका भी वापस से इंटीग्रेशन करना। लेकिन इस बार ध्यान से देखना कि हमने एक्सिस बच्चों आई टू लिया है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, लिमिट्स हम इस तरीके से रखते हैं ताकि अपना पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए। तो इस केस में जो मैं एक्स स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया, इस एंड से। तो मतलब कि मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ। देखो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव में मुझे जाने कोई ज़रूरत ही नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि इसके पीछे की तरफ मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो रखूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, कितनी दूरी तक, एल तक। तो यहाँ पर मैं इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दूंगा जीरो से लेके एल तक। वो कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सिंपल रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया। अभी अगर इसी रोड को हम टेढ़ा कर दें, जैसे कि कुछ इस हिसाब से, अगर मान लो कि मेरे पास ये एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस पे बच्चों रोड को ना अभी कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है, मीन्स जो रोड है अभी वो ना एक्सिस के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, अभी वो किसी एंगल थीटा के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो थी ये मेरे पास एक्सिस है और ये रोड होगी मेरी। इस रोड का कितना होगा, मास एम होगा, लेंथ एल होगी, वापिस से सब कुछ एज इट इज। तो मेरे से कह दिया गया कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा अबाउट द एक्सिस। तो मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कैसे कैलकुलेट होगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका बच्चों, जब भी अपने पास स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रहे, जैसे रोड हो गई, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, स्क्वायर प्लेट हो गई, उन सारे केसेस में जो हमें एलिमेंट लेते हैं वो अपना एलिमेंट फिक्स रहता है। क्या एलिमेंट फिक्स रहता है, अपना सिंपल सा एलिमेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं कि एट अ पोजिशन एक्स एलिमेंट लेंथ डी एक्स, ठीक है, उसकी लेंथ के अलोंग। तो जैसे ही अभी मैंने इस रोड का एलिमेंट लिया, तो इस रोड का एलिमेंट लेने के लिए मैंने क्या किया, एक्सिस से मैं गया इस जगह पे रोड की लेंथ के अलोंग एट अ डिस्टेंस एक्स एक एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे कितनी लेंथ का डी एक्स, ठीक है। वापिस इसका डी एम आपको दो बार कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, तो इस बार मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप लोग खुद समझ सकते हो। यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो हमें मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया जाता। तो यहाँ पे हमने डी एम की वैल्यू लिख दी एम बाय एल इंटू डी एक्स। अभी जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे अभी इस एलिमेंट का, और मैंने आपको क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सिंपल सा रहता है, मास लिखना है, तो हमने लिखा मास इनटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। जब मैंने यहां पे लिखा तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और बच्चों जब भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का मतलब रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे अपनी जो एक्सिस है, एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, जो ये एक्स लेंथ है, जो यहां पे ये एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ इस डीएम मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये जो रेड लाइन से बनाया हुआ है ये है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर एक्स है तो ये बनता एक्स कोस थीटा, तो ये बन गया एक्स साइन थीटा। तो अपने पास ये लेंथ आ गई एक्स साइन थीटा। तो जो हमें इस जगह पे लिखना है वो एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे हम, एक्स साइन थीटा, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। तो अपने पास क्या बन गया, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एम बाय एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अभी वापस से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, बोले सर इंटीग्रेशन ये तो साइन स्क्वायर थीटा है। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये इस जो ये रोड है, ये इस एक्सिस से किसी पर्टिकुलर फिक्स एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइन है, तो जो ये थीटा है ये कॉन्स्टेंट है इस सिचुएशन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे वापस से, मैं इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। एक्स की लिमिट्स डाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स की लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इससे पिछली वाली सिचुएशन से इसको बच्चों क्रॉस चेक करके देख सकते हो, आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा कि अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रखते, जो ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में आप देखोगे तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों में ये सिमिलैरिटी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखी गई है। अब थीटा की वैल्यू 90 रखते तो साइन थीटा साइन 91 हो जाते हैं, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कल को कोई आपसे पूछ लेता है कि अगर रोड कुछ इस तरीके से है, मतलब कि जो ये सेंटर है ये मिड पॉइंट से जाने लग रहा है, उस केस में इसका आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको खुद से कर सकते हो जैसे मैंने आपको ऊपर का समझाया। तो ये तो बच्चों हम लोगों ने अभी इस वीडियो में कैलकुलेशन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड की। अभी इससे अगली वीडियो में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।